चैलेंज जीतने के बाद हम विला वापस आए और विला में एंटर करते ही मुझे उठा लिया ऊपर एंड आई वाज आल्सो लाइक फीलिंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड आई वाज जस्ट लाइक सो हैप्पी। फवारा मतलब हंसियों की फवारे छूट रहे थे वहां पर क्योंकि एक किसी और का कनेक्शन किसी और के साथ जीत के आया है। अब आओ पिच कर ले, अब आओ डंपिंग जोन में मुझे डालना है। सुन ना, अब आओ आओ मेरे पास। पिच पिच, आपका पिच क्या है? आपका पिच क्या है? आपका पिच सुनाई में नहीं दे रहा है। थोड़ा लाउडली पिच करो। हाँ, व्हाट इज योर पिच? ओ ओके, बट आई डंप यू। यू ट्राई टू डंप मी यस्टरडे, आई विल डंप यू टुडे। मैं देखता हूँ कि चुपचाप अपनी अपनी बातों में लगे पड़े हैं, पर मैं एक कोने में चुपचाप बैठ के सबका तमाशा देख रहा होता हूँ। बता यार, तेरा क्या प्रॉब्लम है यार? मेरे को अब बहुत इरिटेट हो गया। मैं इरिटेट हो चुका था क्योंकि तारा साक्षी को लेके फिर से बैठ गया था। वो हर बार ये बोलता है कि आई वॉन्ट टू क्लियर सम थिंग्स आउट, तो कैन आई गेट सम टाइम विद साक्षी। तो ये वाली बकचोदी उसने फिर से की एंड अब तक ना मेरा जो पानी का लेवल है वो क्रॉस हो चुका था, मेरे सर के ऊपर चला गया था। मेरा जेन्युइन फीलिंग है, वो जेन्युइन फीलिंग मेरा भी है। बकचोदी नहीं करते, इतना समझ जा कि उसका डिसीजन तूने सुन लिया है ना। तुझे उसका डिसीजन सुना है कि नहीं? मैं बहुत आराम से बात कर रहा हूं, तेरे से बहुत नहीं। तो तेरे को आराम से बात करना ही पड़ेगा। आराम से बात नहीं करेगा तो क्या करेगा तू? आराम से बात नहीं करेगा तो क्या करेगा? मेरी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी तेरे को, फिर तुझे भी करनी पड़ेगी, समझा? तू यहाँ पे लेट आया है और तेरा पहले क्या था? मेरे को उससे घंटा मतलब एक साल से हमारा रिलेशन, एक साल हो, दो महीना हो, एक माह महीना हो, वो भी गलती। अभी वो स्प्लिट हुआ क्यों आई ये बता मेरे को। मैं बता रहा हूँ, मिस्टेक हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो मैं क्या करूँ उसमें? मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, तुम लगा क्या हुआ है? सीधी बात बता रहा हूँ भाई, मैं देखो तेरा जो था वो एंड हुआ, उसके बाद वो स्प्लिट चला आई, स्प्लिट एंड नहीं हुआ है। वो इतना तो बता रही हूं, तू समझ नहीं रहा यार। मैं तेरे से ज्यादा समझ रहा हूं। एंड क्या नहीं हुआ है? क्या बोला तेको? वो मेरे साथ स्टिक करने वाली है ना? नहीं बोला उसने, ये उसके वर्ड्स है, उसके वर्ड्स है, सुन समझ। ये बैचोद रोज का आ जा रहा है, बैठ जा रहा है। मैं रोज का नहीं आ जा रहा हूं, तू तमीज से बात कर, समझा? तमीज से बात कर, ये मैक्सिमम तमीज से मत कर। सुन देख, खड़ा होके ना कुछ नहीं कर पाएगा। मैं लड़ने के लिए नहीं आया हूं मैं। हां, और मैं आराम से बात करी ना, अगर तू आराम से बात बोल। मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, मेरी बात दे, धक्का मत दे, समझा? धक्का मत दे। जिस बात का मुझे डर था आखिर वही हुआ। मुझे बहुत ही ज्यादा ये सैंडविच सिचुएशन लग रही थी, मैं बहुत ही ज्यादा अजीब फील कर रही थी। धक्का मत दे, आई फील फॉर हर, दैट्स व्हाई आई फाइटिंग। धक्का मत दे, धक्का मत दे, वेट, धक्का मत दे, धक्का मत दे। और एकदम से मैं देखता हूँ कि लड़ाइयों की आवाज आनी शुरू होती है। उधर जस्टिन धक्का मारता है तारा को, उसको रातों में चांद सितारे दिखा देता है। धक्का नहीं देगा साले, साले एंटरटेनमेंट मेरा जो हो रहा था ना, इतना आलीशान हो रहा था। मैं चुपचाप कोने में बैठा हुआ था आराम से, एकदम टीवी ऑन। मेरे को ऐसा लग रहा था मेरे सामने कोई पिक्चर चल रही है, हसीन वो उसको धक्का दे रहा है, वो उससे लड़ रहा है, वो उसके प्यार के पीछे है, वो उससे लड़ रही है, ये वो फलाना होगा ना। आराम से कर लो यार, वो मुझे बहुत ज्यादा इंस्टिगेट कर रहा था, मुझे बोल रहा था कि तू एक हाथ का नहीं है, तू ये नहीं है, तू वो नहीं है, बट बेटा तू मुझे जानता नहीं है। हाथ नहीं लगाएगा, समझा? हाथ क्या नहीं लगाएगा? आराम से बात करो, आराम से बात करना पड़ेगा, आराम से बात करना पड़ेगा, आराम से बात करना। मेरा इतना खून खोल चुका था ना कि मैं चाहता था कि मैं तारा की टांगे तोड़ दूं और वो दोनों उसके हाथ में देके उसको घर भेज दूं। आई वाज लिटरली फीलिंग कि मैं अपना सर जाकर कहां मारूं, क्योंकि मैं ये चाहती थी कि ये दोनों बैठ के इंसानों की तरह बात करे, समझे चीजों को। बट ऑब्वियसली दैट वाज नॉट गोइंग टू हैपन बिकॉज ऑफ द सो कॉल्ड मेल ईगो, आई डोंट नो। पूरा विला एक तरफ हो रखा, तारा बेचारा देख, तारा बेचारा वो देख एक और भागा, इनको आई आवाजें आई तो ये भी बचेंगे। मैंने देखा कि यार इतनी देर से लड़ रहे हैं, कर कुछ कुछ रहा है नहीं है, इधर से उधर वो भौंक रहा है, वो उधर से भौंक रहा है, ये वो फलाना ढमकाना, मैं ही परेशान हो गया। लेट्स विला एक्सपो
मारो मारो मारो। मेरा दिमाग इतना गर्म हो गया, मैंने कहा मैं सीधा जाता हूँ पूल में कि भाई थोड़ा सा मैं ठंडा होता हूँ, फिर इन लोगों को ठंडा करूंगा। मैंने दोनों को बोला कि तुम माँ चुदाओ, मैं जा रही हूँ, एंड आई डू नॉट गिव अ फक बिकॉज दिस इज नॉट व्हाट आई वांट। फिर मैं तारा के पास जाता हूँ क्योंकि जब वो फर्स्ट डे आया था तो मैंने उसकी आंखों में बहुत दर्द देखा था, और फिर मैं उसके पास गया तो मैंने देखा कि यार वो बहुत ज्यादा इमोशनल है और बहुत ज्यादा टूटा हुआ था, तो मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश करी। मैंने इसको बोला, मैं पूरी बहुत चीजें बता चुका हूँ दुनिया को, भाई मैं अपनी बंदी को देख सकता हूँ किसी और के साथ तो मैं क्यों देखूं, मेरे इमोशंस हैं, मैं नहीं देख सकता, मैं आया इसीलिए यहां पे, मैं नहीं देख सकता अपनी बंदी को। और लोग बोल रहे हैं अपनी गेम खेलने नहीं आया, मैंने कहा टट्टे घूमे गई भाई, मुझे गेम नहीं खेलना है ब्रो, तुझे बस वो चाहिए ना, दैट्स इट एंड ऑफ स्टोरी, उनकी गेम उनको लड़ने दे, तू अपनी गेम खेल मस्ती से, तू सही चल रहा है अपनी जगह पर, मैं तेरी जगह होता मैं भी ये करता। सुबह से आ रहा है, मेरे को क्लियर करना है, मेरे को क्लियर करना है, एक भी बार मैंने ये नहीं बोला मत कर, मैंने बोला हाथ चल ठीक है बात कर ले, हाथ चल ठीक है बात कर ले, हर सेकंड हर पल क्यों क्लियर, क्या क्लियर करना बाकी है उसका, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था कि मेरी वजह से दो लड़के लड़ रहे हैं या फिर मेरे लिए दो लड़के लड़ रहे हैं। साक्षी मैं डन हूँ, फिर मैं यहाँ पे बेस्ट, मेरे को आज तक किसी ने ऐसा चिल्लाते और लड़ते हुए नहीं देखा है क्योंकि मैं वो पर्सन नहीं हूँ, बट मैं कितना कंट्रोल करूँ, कितना ट्रिगर अपना कंट्रोल करूँ, बता मेरे को, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अरे भाई मैं तुझे पकड़ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तू जैसे कुत्ता नहीं होता, एक दूसरा कुत्ता साथ में बैठा हो, एक छोटा कुत्ता लाके उसके पास रखो तो वो यहाँ तक तो भौंक रहा है, जैसे यहाँ पे छोटे कुत्ते को बड़े कुत्ते के पास लिया वो यहाँ पे आके ये वो वाला हार रखा था तारा का। मुझे वहां पे खड़े होके साफ समझ में आ रहा था कि शिवम मुझे और ट्रिगर कर रहा है और भड़का रहा है और वो चाहता था कि मैं और लड़ूं, बट वो मेरा मोटिव था ही नहीं। अरे कौन आग लगा रहा है, मैं समझा रहा हूं उसको, लड़ना करना आर पार वाली गेम करना, फिर आर पार का मार दी जाके, वो पागल है गेम में मार के, उन्हें मेरी बात ऐसे लगा कि आग में घी डाल रहा हूँ, जो करने वाले होते हैं ना वो कर गुजर जाते हैं, वो इन सब चीजों में नहीं पड़ते। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ये दोनों लड़के हैंडल करने हैं अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मैं तारा के पास गई। सुनो मेरी बात सुनो, सब मैं जा रहा हूँ, तुम दोनों बात कर लो क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ, बैठ के एक बार बैठ के बात करो तुम दोनों। तारा लिसन टू मी, इवन इफ यू हैव फीलिंग्स व्हाटएवर इज देयर, इवन आई इफ आई हैव फीलिंग्स आई डोंट गिव अ फक राइट नाउ बिकॉज आई वांट टू बी विद दैट गाय। I really sit, want to be with sit that here. Guy. Sit here. Trust I understand. Me. Sit here. I can't make him Can feel bad. Can you please sit here? I'm telling you. Don't hold my hand. Please don't hold my hand. Please don't hold my hand. We have understand one thing. We have a 1 year thing. ये 15 दिन में कुछ नहीं बदल गया। मैं जस्टिन से अभी मिली हूँ। आपको सिर्फ 15 दिन हुए हैं, हमें एक साल हुआ है और दूसरी हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बॉन्ड में नहीं टूटने दे सकता, टूट गया नहीं टूटा है, हमारी चीजें क्लियर नहीं हुई थी तभी तो मैं यहाँ आया हूँ आपसे बात करने के लिए। मेरी बात समझो, इफ यू पुट योरसेल्फ इन माय स्पॉट आई नीड टू टेक अ कॉल, जो भी हमारा हुआ जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई उसकी वजह से मेरे लिए अभी यू आर आस्किंग मी टू टेक अ लाइफ टाइम कॉल, आई एम नॉट इन द राइट स्पॉट, समझो ना, एंड इवन फॉर द गेम आई थॉट कि हम चाहे आइडल मैच नहीं भी बने ना तो आई थॉट कि मैं जस्टिन के साथ ही बता रहा, आई नीड टू टॉक टू हिम। तू क्या करना चाहता है, वो चाहता है कि मैं लड़के निकल जाऊं,
तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं लड़के नहीं, उसको बहुत मार के निकलूंगा साक्षी। क्या करूँ जस्टिन, देख वो तू बता सकती है, मैं क्या करूँ ये बता। मेरे को जो बिल किया है ना वो सारे विलन ने देखा है, ठीक है, सबने देखा है, ठीक है, एंड वी हैव बिल्ट समथिंग हियर, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ही इज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस फ्रॉम माय पास्ट एंड नाउ ही इज सेइंग दैट ही वांट्स टू विन मी बैक एंड दिस एंड दैट। तू डिसाइड कर, डिसाइड कर साक्षी, मैं परेशान हो रहा हूं तेरे लिए भी और मेरे लिए भी। तो वो समझ क्यों नहीं रहा है, मेरे को ये नहीं समझ रहा, वो समझ क्यों नहीं रहा ये बात। मैं नहीं रोने वाला, मैं सिर्फ मारने वाला उसको। अगर मैं जा रहा हूँ, मैं तेरे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज ये सब खत्म मत कर। मैं नहीं करता हूँ, तुमने आज तक मेरे मुंह से सुना कि मैं किसी को मारने वाला हूँ या मैं गुस्सा हो रहा हूँ? दिख रहे हो एक लड़की की वजह से लड़ रहे हो, एक दूसरे पे हाथ उठा रहे हो, व्हाट द फक इज दिस यार। आई जस्ट गिव मी सम टाइम, I have told him that I want to continue this game with you. वो sometime ही तो problem हो जा रहा है यार, साक्षी तो समझ नहीं रही है वो stress जो इधर है। Justin, please, I need to think straight. I will take my time. Just give me थोड़ा सा time. ले लो यार time ले लो, क्योंकि अब मेरे से ये नहीं continue हो रहा है, ये honestly नहीं हो रहा है। मैंने first day से ना एक ही चीज़ किया, एक ही चीज़, वो ही तेरे साथ चलने का सोचा। Justin, बट प्लीज एक डिसीजन पे, मैं वो लड़का नहीं हूँ जो लड़कियों के पीछे ऐसे भागता है और किसी और लड़के को मारता है। मैं ऑनेस्टली वो लड़का नहीं हूँ, मैं वो लड़का हूँ जो बार बार ये बोलता है कि मेरी माँ टीचर है और मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ। ये हरकतें ना मेरे अंदर की, मैं लिटरली जानना चाहता था कि साक्षी इस सिचुएशन में क्या करने वाली है, क्या वो दिन पास है जब साक्षी मुझे बोलेगी कि जस्टिन वी आर डन एंड वो तारा के साथ कंटिन्यू करेगी। आज मुझे बहुत पावरफुल फील हो रहा था क्योंकि आज मैं एक चैलेंज जीत के आया हूँ जहाँ मैंने हामिद और संदूस को हरा दिया है। So now, like, if we get a saving power, if we have to save one person, he obviously wants to save you. Huh? And my priority is her. मैं honestly मैं बोलूँ तो मेरी priority महक है, और आज मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चैलेंज मैंने करा, सारा ये करा वो करा वो सब वो, मैं फिर भी कहूँगा कि चल ठीक है दोनों ने करा, बट अगर पावर आती है तो I'll save महक, क्योंकि महक ने मुझे परफॉर्म करने थे। But she's not a target. It's not about target. Sondus is also not a target. I am. No, you are not. Why are you? अरे but we were हम लिखेंगे ना। How can you speak about my son? Because I am telling you मैं और आकाश ने डिसाइड करेंगे ना। अरे साक्षी S वो सेव थोड़ी ना है यार। वो कैसे डिसाइड करेंगे? So why are you saying that she's not a target? Because I have to उसको मुझे करना है। हाँ तो she also has to give me a favor. यार but वो मेरी connection है। वो मुझे प्रेशराइज कर रही थी कि उसको सोंदूस को सेव करना है। तो मैंने उसको यही बोला आज कुछ भी हो जाए आई हैव टू सेव महक क्योंकि वो मेरी कनेक्शन है। तो मुझको कैसे भी करके महक को इस साइड लेकर आना था ताकि मैं उसके साथ में ओरेकल के सामने जा पाऊँ। हामिद को जब मैंने सेम बात बोली तो हामिद ने मुझे क्या बोला था कि यार मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ खेलने नहीं आया, मैं कनेक्शन खेलने आया हूँ। Exactly, मैं भी वही बोल रहा हूँ ना आज जो हामिद बोल रहा है वही तो मैं बोल रहा हूँ। हामिद तूने मुझे बोला था मैं अपनी कनेक्शन खेलने आया हूँ यहाँ पे उसके साथ बैठूंगा, तो अगर मुझको पावर मिलती है सेव करने की मैं ऑब्वियसली अपने कनेक्शन को सेव करूंगा ना। बस फिर यही बात हो रही है, इट्स वेरी सिंपल यार। बट भाई उसका भी होगा ना। हां वो तो कनेक्शन सेव कर ले, वो साथ में खेल ले, तो कनेक्शन सेव कर रही है। बट ही डस नॉट हैव तो वही तो मैं बोल रहा हूं, तो मेरा कनेक्शन है मैं तो सेव करूंगा ना। सो लिसन वी आर ऑल मेकिंग अजम्पशंस, किसी को पता नहीं किसके पास क्या पावर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम दोनों के पास पावर आए कि एक लड़की को सेव करना है तो इट शुड बी सुंदूस बिकॉज़ शी इज अ टारगेट। आकाश सिन्हा और कशिश सेफ है, बाकी सब विलन्स अनसेफ है, तो काफी टेंशन वाला माहौल है। मुझे था कि यार आज आने वाला है मजा, आज मैं और महक जाने वाले हैं ओरेकल के सामने। एंड फाइनली हम सब रेडी हुए। This is MTV Splits Villa 14, co-powered by Wild Stone, Deos and Perfumes, and on Total Comfort.
सबसे पहले तो जितने भी अनसेफ लोग हैं और जो दो सेफ हैं उन्हें बता दूं कि जो हमारे नए वाइल्ड कार्ड्स हैं वो आज बिल्कुल सेफ है। क्या बात है, हमें आप तीनों वहां चले जाइए। यहाँ बैठने का मजा ही कुछ और है। बहुत अलग दिख रहा है, यहाँ से कुछ अलग ही दिख रहा है। हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। हालात तो ठीक है सर, आज इनके मुकालात भी होने वाली थी विला में। किसकी? आज मारा मारी होने वाली थी तारा की और जस्टिन की। शिवम थोड़ा ट्राई कर रहा था, शिवम थोड़ा सा मसाला और ऐड करने पे। तारा को थोड़ा सा इंस्टिगेट भी कर रहा था। पूल में कूद गए थे भाई साहब। वो तो मैं खुद कूदा था ना पूल में कूद गए। मैं खुद कूदा पूल में, क्योंकि मेरा दिमाग गर्म हो गया। मैं मूव्स मूव्स बताना चाहिए कुछ। शिवम वहां तक ठीक था पर एट वन पॉइंट यू सेड समथिंग जिसमें मुझे भी हंसी आ गई। व्हेन यू टोल्ड हिम जाके सपोर्ट दे उसका। नहीं, मैंने ऐसे नहीं बोला। मैंने उसको मजाक में बोला था, जा रहे आ रहे आ रहे, जा रहे क्या कर रहे, जो करना आर पार करो ना, फिल्म छोटी छोटी चीजें क्यों कर रहे हो, आर पार करो। मेरा कहने का मतलब वो था। मैं एक्सप्लेन करता हूँ एग्जैक्टली सिनेरियो क्या हुआ। कहीं ना कहीं ये है कि ही इज कंफ्यूज। आई एम नॉट कंफ्यूज ब्रो, मेरे लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। आई एम नॉट कंफ्यूज, साक्षी को इस सब के बीच में पिसना पड़ रहा है। तो अजीब सा सिचुएशन है और वो स्ट्रेस अपने आप ऐसा हो गया। नहीं तो मैं ऐसा रिएक्ट नहीं करता, ये ऑलमोस्ट सब तो पता है। Understand. और मैं खड़ा होकर देखता। यू मीन टू से? अभी बोल भाई, टेंशन ना ले। आई अंडरस्टैंड यू ब्रो, यू हैड अ कनेक्शन विद हर ओवर हियर। आई हैव। हाँ ठीक है, यू हैव द कनेक्शन, आई अंडरस्टैंड दैट। मेरा एक साल से सिर्फ ये 15 दिन हुए हैं भाई, तू ये समझना तेरा एक साल से आई रिस्पेक्ट दैट। यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। कल तक हमारी बात मैन टू मैन हो रही थी, आज तूने बच्चों की बात। बच्चों की काटी है, मैं गुस्सा हूंगा ही, मैं गुस्सा कैसे नहीं होगा। अरे यू रेज योर पॉइंट and then I can express myself. Please stop fighting. I'm not fighting. What I'm saying is, everybody have a space to talk over here, right? हम बात कर रहे थे दोनों, आप बीच में आ जाते हो, आप बोलते हो कि नहीं मेरे सामने ही बात करो। ये क्या लॉजिक होता है? I want to talk to my बिल्कुल बात कर सकते हैं। साक्षी तुम बताओ। तारा जो भी है, I would like to sort this, you know, outside of the show. But अभी I don't want कि आप कुछ भी ऐसा करें जिससे जस्टिन को बुरा फील हो या इनसिक्योर फील हो। ऐसा मैंने उनको बोला। बट आज की सिचुएशन के बाद आई एम एट अ वेरी डिफरेंट जोन एंड जस्टिन मेरे साथ पहले दिन से रहा है एंड मैंने किसी और लड़के की तरफ नहीं देखा बिकॉज आई रियली कनेक्ट विद हिम। ही इज अ वेरी नाइस गाई, इज लाइक वन ऑफ द नाइसेस्ट गाइज आई हैव एवर मेट। और आई रियली रिस्पेक्ट द फैक्ट कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ही इज़ बीन वेरी अंडरस्टैंडिंग और उसने ये पूरी सिचुएशन को इवैल्यूएट करने की कोशिश की। आज मुझे ऐसा लगा कि आई रियली यू नो आई अंडरस्टैंड वेयर तारा इज कमिंग फ्रॉम बिकॉज हमारा एक रिलेशनशिप था। एक साल इज नॉट अ शॉर्ट टाइम टू स्पेंड विद एनीबडी एंड वो यहाँ पे आके एक नेशनल टेलीविजन पे किसी भी लड़की को ये बोलना कि आई लव यू एंड आई वॉन्ट टू विन यू बैक, इट इज़ अ ह्यूज स्टेटमेंट। एंड मुझे अभी नहीं पता कि जस्टिन कैसा फील करते हैं, कि वो मेरे साथ लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं नहीं, बिकॉज मैं उनके साथ सिर्फ 15 दिन रही हूँ एंड वो मेरे लिए बहुत कम टाइम है ये इवेल्यूएट करने के लिए कि वो इस पूरी सिचुएशन के बारे में क्या फील करते हैं। As far as game is concerned, मैंने यही बोला कि Justin is the guy जो मेरे साथ शुरू से है and मैं उन्हीं के साथ game करना चाहती हूँ, finish. But as far as Tara, you are concerned, I really respect you.
Sakshi, you need to understand. I understand. I cannot see you with anybody else. Channa rehna jo shabde naal mainu jindri bitane tere naal ve chann pardesi. I understand, then please understand that I am playing a game with him. एंड अगर हम लाइफ साथ में स्पेंड करना चाहते हैं, मैं उसके बारे में आपसे शो के बाहर बात करना चाहूंगी, बिकॉज मेरे लिए वो डिसीजन इजी नहीं है. आई थिंक तुम बहुत हैवी फील कर रही हो, बिकॉज अभी अभी वो आया है और ये सब भी हो गया, तो तुम्हारे लिए बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई है. यू नो, तुम कोर्ट में नहीं हो कि तुम्हें अभी के अभी गवाही देनी है कि क्या सही है क्या गलत है, चॉइस करनी है. नो, because everybody is coming to me and asking ki kya scene hai tumhara. You know, people want to know. Wo shayad game perspective se soch rahe hai ki agar Justin khali ho jayega to Justin ko yahan pair kar denge. Please give us some time to understand things and figure things out. That's all I want to say. Well, you guys have lots of time in Splitsvilla to figure it out. Hi. Hi. कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है आज. बड़ा मिक्स फीलिंग है. पावरफुल फील हो रहा होगा ना आकाश? नहीं, पावरफुल नहीं बोलूंगी. मैं जब भी यहाँ बैठती हूँ तब मुझे वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आता है, क्योंकि पता है कि हर दिन कुछ ना कुछ ट्विस्ट हो सकता है, मैं फिर से वहाँ जा सकती हूँ. So should we give you some good news? Yes. Yes. So you two have won the challenge today, which means you have a chance to go to the Oracle to figure out if you're an ideal match. Why is everybody laughing and clapping? क्योंकि कशिश और महक. नहीं मतलब yes exactly. मेरा connection उधर है और अब ऐसा नहीं है कि अभी मैं ये नहीं बोलूँगा we just started. अब बात बहुत आगे जा चुकी है. मैंने महक को already word दिया था start में. ये जो journey है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उसके साथ में और ख़त्म भी करूँगा उसी के साथ में. चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसका साथ ही छोड़ूंगा. तो Ashleena, you know you wasted a whole challenge. नहीं यार, मुझे if you find out later, you should have picked somebody else. If you find out later that you are not an ideal match, you shouldn't have said yes because you knew this would happen. If you figure out later that you are not an ideal match with her, then what are you going to do? Then this is like going to be a waste. मुझे लगता है कि अगर हम नहीं बने तो obviously आप उनके साथ फिर से जा सकते हो, और अगर बन गए इसका मतलब आप दोनों ideal match नहीं बनने वाले. So I think we should not waste the chance. उस power का फायदा ही क्या जिसमें महक ना हो? तो power के साथ you can save your connection. Save कर करके क्या करूँगा मैं? मुझको उसके साथ में खेल, साथ में चलना है, साथ में challenges करने हैं. वही तो experience है, वही तो journey है. Cute, 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 cute. तो तुम्हें Oracle के सामने नहीं जाना है, आकाशलीना के सामने. All right. So then, the two of you are choosing one couple. Who will also get the chance to go in front of the Oracle. Thank you.
rich couple will go in front of the oracle. The villa will decide. One small piece of instruction you have all forgotten. No, I didn't forget. I mentioned it a few times. Can you I'm just saying. Don't interrupt me. Don't interrupt me. But you guys... What? Are you serious right now? The instruction was that... Do you have a problem with listening skills? No, I heard it. I just told you to be quiet. I was trying to help because you mentioned it. Would you help, Jay? You think that I need help? I need your help right now. Are you serious? I wasn't trying to be rude. You were rude, and I asked you nicely to be quiet. Can I continue? Are you going to be quiet? Are you going to let me do my job? Thank you. What's wrong with these people? They're so rude. I don't understand. Piece of information that you guys have forgotten is that you decide who goes to the Oracle once they choose a couple. So this what if is actually in your hands. आप लोगों में से किसी को पिच करना है तो तुम लोगों को पता है कि यार हमारा कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड आई वॉज वेरी सैड टुडे आफ्टर यू नो लूजिंग द टास्क क्योंकि मुझे सही में सोंदू उसके साथ जानना है कि वो मेरा आइडियल मैच है कि नहीं है सो प्लीज गाइस यार मैं भी बोलना चाहूँगा कि कशिश और मेरा 3-4 दिन से जो भी अच्छा सिनेरियो चल रहा है तो मेरे को पूरी गुड वाइब्स है एंड मैं चाहूँगा कि हम दोनों को एक बार भेजो और कल बाबा के पास पता लगे हमारा क्या सीन है यार आई एम जेन्युइनली लाइकिंग हनी एंड ही इज टोटली द ऑपोजिट ऑफ व्हाट आई एक्सपेक्टेड हिम टू बी आई आल्सो वांट टू पिच फॉर हनी एंड कशिश टू गो बिकॉज़ आई थिंक हनी इज माय आइडियल मैच ओह कंपटीशन हनी तेरे तो भाई दोनों हाथ घी में हैं आइडियल मैच इज डिफरेंट लाइकिंग इज डिफरेंट आमिर तेरे को पिच भी नहीं करना है क्या पेमा के साथ आइडियल मैच का हमारा अभी चालू हो गया और बहुत अच्छा तरीके से जा रहा है ऊपर मेरे को वो इधर पहुंच के जाके कंफर्म आइडियल मैच बनने का है अच्छा ऐसा है ओके फेयर इनफ सबके पिच हो गए डिसाइड कर लो आपस में तो कहीं पे भी म्यूचुअल अग्रीमेंट नहीं हो रहा मैं कह रहा हूँ तू 6 में से कोई भी चूज कर वो कह रही नहीं मैं एक ही करूंगा And I want to send Hamid and Sundus because it makes sense. But Kashish, तूने ही कहा था कि तेरा वो भाई है और वो मेरा भाई है. But मेरा भाई. I'm missing you. But the brain behind the pie is नीचे. But my priority is Honey from day one. मैं भेजना चाहता हूँ Honey को अगर मैं Honey और Kashish को भेजूँगा. Do you think if we become an ideal match, our target gonna be Honey? Honey is a priority for Hamid. What are you saying? Honey, तू धनी तुम्हें कहना इस बारे में. तेरे को लगता है? मैं तो जाना चाहता हूँ यार. नहीं, to play together not yeah. I gave you no sundu ask sundu sir hame kada ko pata nahi hota hai usse puchna I like your performance I want to play with you in the game no sundu come to me ask her अरे तू क्यों मना कर तू था ही नहीं कॉन्वर्सेशन में बोल तो रहा हूँ मेरे को पता है क्या हो रहा था डील नहीं तू नहीं था उस कॉन्वर्सेशन आकाश और सोंदूस थे तू था ही नहीं वहाँ पे यार अच्छा एक बात बता आने से पहले तेरे को पता था मैं आ रहा हूँ हाँ तूने मुझे फोन किया किया मैंने क्या बोला मैंने क्या बोला तेरे को कि साथ खेलेंगे मैं साथ खेलेंगे नहीं बोला तेरे को मैं बस साथ खेलेंगे आगे तक चलेंगे साथ में तो आगे तक चलेंगे बोल रहा है ना अभी खुद बोल रहा है
अभी तू मुझे भेजने के लिए रेडी नहीं हो रहा, अभी तेरी फट रही है ना। मेरी नहीं फट रही है भाई, मेरी क्यों फटेगी? अब मत मानियो क्योंकि वो प्रेशर पे डाल दिया उसको, अब मत मानियो। एक काम करते हैं, ठीक है तुमको भेजना है ना इनको, तो अब भाई तुम लोग डिसाइड कर लेना किसको भेजना है, मुझको रकाश टीना में से या फिर हामिद और संदूस में से। हामिद और संदूस आगे। You guys made a choice? Yes. Ahmed Sundus, aa jao. So this means that Hamid and Sundus, you are safe from dumping today. Congratulations. Wild cards. So Arjun and I, we both want you to save two people each. Lekin, boys, aapko ladkiya save karna hai. And Moose, you will save two boys. मूस, किसी के साथ कनेक्शन बना तुम्हारा? एक का नाम तो तुमने बता दिया, तुम्हें लगता है आइडियल मैच है। I think I was proven wrong. I thought he was like cool and crazy like I am, but I think I was proven wrong. को थोड़ा इसका बिहेवियर ऑफ पुटिंग लगा हनी का। I really want to save him today, but like for example, Agaz has been spending time with me. Shivam actually asked me agar main uski connection banna chahungi. I don't know if he means it. That doesn't matter. But he still like honey kind of hurt me. Like, matlab he hurt her also, yaar. Usko bhi hurt kiya. Usne usko bhi clarity nahi di. Mujhse main baat karne aaya, par maine tere ko clear bola, yaar. वो बात नहीं है, मेरी और कशिश की बात हुई थी आज। सो आई एम जस्ट सेइंग थोड़ा सा मतलब मेरे को लगा। मैंने क्लियर तेरे को बोला कि मेरा कनेक्शन स्टार्ट हुआ है, मैं बीच में कुछ चीजें नहीं छोड़ता। व्हाट्स हर्टिंग मी इज आई डोंट वांट टू सेव यू, दैट्स व्हाट्स हर्टिंग मी, आई डोंट वांट टू सेव यू। इट्स जस्ट मैंने तेरे को क्लियर बोला कि मेरा कनेक्शन स्टार्ट हुआ है, इफ मेरी आइडल मैच नहीं बनी देन आई विल सी। अभी तुम मेरे हिसाब से, मेरे अलावा जो तुम्हें बंदा पसंद आता है, लेट्स गो एंड ट्राई टू कनेक्ट। बट आई एम नॉट हियर टू लुक अराउंड, लाइक एज इन आई डोंट वांट टू हैव अ कनेक्शन दैट्स नॉट अ कनेक्शन। मुझे कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं करना है। So I will give two names. Can okay, I? Okay, of course. Please go ahead. Amir, because he's a good friend of mine and okay. He cares for me, and I want to save Justin. Justin, thank you. Because I had a great. Good conversation with him today, and मुझे लगा कि he's a good player. Wow. So Justin and Amir. You both are safe today. Welcome back to Splitzilla. Let's go with Samarth. Samarth. Okay, so first one would be Prakshi. Second one would be Kashish. Aww. Okay. Kashish and Prakshi, welcome back to Splitzilla. तारा, अब किसको सेव करना चाहते हैं? I want to save my girl first. Oh. Sakshi. And I had a really good bond when I was low in this villa. Someone helped me. Just... कहाँ जा रहे? देने जा, जा, देने जा, जा, जा.
चलो आ गए। वेल आज के डंपिंग सेशन में एक नहीं तीन लोग डंप होंगे। सो इफ वी हैव एन आइडियल मैच टुनाइट, थ्री स्प्लिट विलन्स विल बी डंप। एंड इफ यू डोंट देन यू आर सेफ। हामिद, संदूस, कशिश एंड आकाशलीना, यू हैव अ वेरी टफ डिसीजन टू मेक। Splits villains, you have to decide which couple is not going to write your name, or you think that's not going to write your name. Cue cards! शुरुआत करते हैं शिवम सर, कशिश और आकाश लीना। मुझे लगता है कि बिल्कुल भी चांसेस नहीं है उनके बनने के, और बाकी हामिद और सोनजोस बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं एक दूसरे के, तो मुझे लगता है कि उनके चांसेस ज़्यादा हैं ओरेकल के सामने अगर वो जाएंगे आइडियल मैच बनने के। नेक्स्ट इज पेमा, हामिद एंड सोनजोस। साक्षी, आई वुड ट्राई हामिद एंड सोनजोस। हिबा, आकाश लीना एंड कशिश। Because today I have spoken with Hamid and he proved that really he's in love with Sundus. But you want to send Akash, Leena and Kashish in front of the Oracle. Why? Because Kashish in connection with Mahek, so I don't think so they can be together. Next is Honey. Kashish and Leena. Shreya. हम लिखा है आकाश, लीना और कशिश का नाम। आई हर्ड दैट संदूस हमारा नाम मांगा था लिखे, तो आई डोंट वांट टेक दैट रिस्क, सो आई वुड लाइक देम टू गो। कशिश, आकाश, लीना, फोर वोट्स, हामिद, संदूस, टू वोट्स। नेक्स्ट इज आराधना। सो आई रोट कशिश एंड आकाश लीना because I feel ke in dono ka match nahi banega. Sohel, Kashish and Akash Leena, kyunki last dumping mein Kashish ne mujhe favor diya tha, to return karne ka time aa gaya abhi aur mujhe pata hai ki usme mera naam nahi hoga. Kashish and Akash Leena. Sundus aur Hamid, aapko मौका नहीं मिलेगा ओरेकल के सामने जाने का, बिकॉज आपके सभी दोस्तों ने आपके लिए वोट नहीं किया। दोस्तों ने जो दोस्त मैं तो यार उनको दोस्ती बोलूंगा तुम्हारे, या वोट की वजह से दोस्ती मत खराब बोल तू यार। अब मैं तेरे को ये पहले दिन से तू मेरे को बोलता है कि तेरा पहला नहीं, तू आज तू मुझे आज सुबह बैठ के बोल रहा था कि कशिश गेम खेल रहा है, मैं भी बोल रहा था बात, तो मैं तो उसको अभी भी बोलता उसके मुंह पे बोला था कि जब मौका मिलेगा मैं तेरी, ऐसे लगता तू भी बोलता कि हन्नी मेरी प्रायोरिटी आमिर है तेरी कशिश। तो मैं तेरे को थोड़ी कुछ बोला यार, अगर तू अपनी बातों का खड़े होकर बोल रहा है तो मैं भी अपनी बातों का हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ। मैंने शुरू में ही बोला था कशिश के बारे में, मैं भी यही कह रहा हूँ भाई, मैं भी यही कह रहा हूँ। हम ये मत सोच कि सिर्फ तू अपनी बातों का है, मैं ये बोल रहा हूँ। हाँ नहीं, तू भी बातों का, मेरे को पता है, पर मैं तेरे को पहले दिन से क्लियर हूँ कि कशिश के सामने तेरे को वोट नहीं आएगा, पूरे गेम में तेरे को वोट है। हामिद एंड सुंदूस, बताओ कौन से तीन नाम तुम दोनों ने लिखे हैं? हिबा, साक्षी, तीसरा आराध्या। That was based only on the people who don't have connection here. आराध्या has connection. She just changed her mind this morning and I heard that maybe she will not flip. So for me, that's not a genuine connection. We spoke about that. Okay.
आकाश लीना और कशिश, पहला नाम कौन सा है जो आपने लिखा है जिसे आज आप डम करना चाहते हैं? शिवम, मैंने क्या बोला था बेटा? मुझसे पंगा मत लो। आप हो सकते हैं शिवम शर्मा ये वो, बट यू डोंट नो हु द फक आई एम। कि विला में जितने भी लड़के हैं वो सब यहाँ तक टास्क करके, चोटे लगवा के और बहुत कुछ करके पहुँचे। मतलब मेरे लिए ऐसा है कि उन्होंने वो ज़्यादा डिजर्व करते हैं अभी शो में आगे जाना। नहीं, मुझे वो भी पसंद नहीं हुआ जो कल अलग हुआ उन दोनों के बीच जो उसने बोला। और नो, आई थिंक ही क्रॉस्ड अ लाइन व्हिच यू नो इवन लाइक इट लाइक बॉदर्स मी व्हेन लाइक समबडी क्रॉसेस दैट लाइन। एंड इन्होंने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी है उस चीज़ की जो इन्होंने उसको हॉर्नी बिच बोला था, तो हमें भी आपकी कुछ चीज़ें पसंद नहीं आई। एनी वे सबके सामने बोल दिया। एनी वे आई डोंट नीड टू प्रूव एनीथिंग टू यू। हु इज द सेकंड स्प्लिट्स विलन यू वांट टू डम? द सेकंड नेम साक्षी डी। सच अ फ्लिपर, आई जस्ट कांट बिलीव दिस गाय इज लाइक पर ये इतनी एक्सपेक्टेशन क्यों कर रही थी? इसने तो वोट भी हामिद को डाला था। एग्जैक्टली, तुझे पता है ना उस चीज का? वो मैंने कुछ सोच के डाला था, वो मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगी यार। तो मैं भी नहीं करना चाहता एक्सप्लेन, बट तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी मैं। कशिश, आकाश लीना, व्हाट इज द थर्ड नेम ऑन योर लिस्ट? वी डंप आराधना। आराधना? Oh yeah, I was expecting that she'll write my name. Kashish and Akash Leena, a vote time aa gaya to ask the oracle, kya hum ek ideal match hai? आज कुछ भी हो जाए मुझको आइडल मैच मिली बन जाए। और एकल, क्या हम एक आइडियल मैच है? ओरेकल के कैलकुलेशंस के अनुसार कशिश और आकाश लीना, आप दोनों एक आइडियल मैच। हो bow down to the face.
आकाश लीना यू एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत खुश हो, तुम्हारे चेहरे से साफ दिखाई दे रहा है। कशिश तो ऑपोजिट, कशिश भी खुश है लेकिन वो दिखा नहीं सकता, वो एक्टिंग कर रहा है, ही इज मेथड एक्टर। प्लीज 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 यार, टेक हैव अ सीट। कांग्रेचुलेशंस आकाश लीना एंड कशिश, थैंक यू, यू आर स्प्लिट विलास 14's फर्स्ट आइडियल मैच। मुझे मैम ये नहीं पता कि क्या होने वाला है जितने ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं। ऑनेस्टली ऑब्वियसली मैं यहाँ पे आया था तो कनेक्शन बनाने आया था, और मुझको ये था कि मुझे महक के साथ ही परफॉर्म करना है, उसके साथ ही जीतना है। But again, Kashish, I'm overthinker थोड़ा सा। हाँ, so मत सोच। Again, you should be happy for this moment. क्योंकि इस moment में आप safe है, आकाश लीना safe है, your connection is still safe. But what is sad is we have three people going home today. शिवम, आराधना और साक्षी का शिवम, look how the table turned. आप तीनों कुछ कहना चाहते हो? मैं अपने आप को शुक्रगुजार समझता हूँ कि मुझे एक बार और मौका मिला यहाँ पर आने का, और सनी मैम से मिलने का बहाना तो मतलब कौन नहीं चाहेगा। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मंजिल तो मिल ही जाएगी। और कहते ना कि अ लूजर इज जस्ट अ विनर हु ट्राइड वन मोर टाइम, तो आई जस्ट ट्राइड वांटेड टू ट्राई वन मोर टाइम, तो इट्स ओके, थैंक यू सो मच। वेल सेड, आ गया। सो आई जस्ट वांट टू से टू एवरीवन कि आई हैड अ रियली नाइस टाइम। आज मैं जा रही हूँ पर आई डोंट रिग्रेट इट, आई फील लाइक मैंने बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनाए हैं। आई थिंक आई रिमेंबर दिस एंटायर जर्नी एंड गिव योर बेस्ट, हैव अ नाइस टाइम, मेक मेमोरीज, आई एम गोना बी रूटिंग फॉर यू। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, दैट इट वॉज जस्ट अ रोलर कोस्टर राइड फॉर मी, and I'm really glad that I made so many nice friends and they love me a lot and I love them a lot. And can't wait to just meet you guys outside. I hope you make great choices in life jab aap yahan se niklo, and God bless you, aur aapka future bahut hi kamal ka rahe aur aap hamesha khush rahe. मैं जिंदगी को पॉजिटिविटी से देखता हूँ, पानी का ग्लास आधा भरा देखता हूँ, आधा खाली नहीं देखता, तो अच्छी मेमोरीज लेकर जा रहा हूँ यहाँ से। इस सीजन में मैं काफी अकेला था, पर अकेला ही काफी था। सर्वगुण संपन्न बूम बाम चेकिंग आउट। फुली फालतू, फुली एंटरटेनिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फुली फालतू।